मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी लोग अच्छे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, और नहीं कर रहे हैं तो भी बता दें। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको अभी से शुरू कर दें। हर रोज दो सब्जेक्ट पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिन में पांचों सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। आप ऐसे मत करना गलती। एक सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो। दो दिन लगातार, तीन दिन लगातार वही सब्जेक्ट पढ़ो। इससे क्या होगा, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा आपके तैयारी करने का। और उसी से एक ही सब्जेक्ट में मत लगे रहना, नहीं तो वो भी गड़बड़ है आपके लिए, वो भी सही नहीं है। तो हर दो दिन अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी तैयारी करनी है, या फिर आप टाइम टेबल बनाइए कि हमें एक एक घंटे पांचों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमजोर हो उसमें ज़्यादा समय देने का प्रयास करें, उसको आप हल्के में ना लें। और जो सब्जेक्ट अच्छे ढंग से तैयार हो उसे और अच्छा करने का प्रयास करें। इसमें हमारा नंबर का स्कोर बनता है। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आपको हिंदी की बोर्ड कॉपी किस तरीके से लिखना है, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बोर्ड कॉपी ये 100 वाली बोर्ड कॉपी है। कितने वाली? 100 नंबर वाली बोर्ड कॉपी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। कितने नंबर? 100 नंबर। जिन बच्चों को 100 में 100 लाना है वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से अपने हिंदी की बोर्ड कॉपी लिखें कि 100 में 100 मिले। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज है। इस तरीके से आप फ्रंट पेज देखेंगे, ठीक है ना? ये फ्रंट पेज थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर जो है, ध्यान देना, ये मॉडल पेपर ऐसे लिखा है। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको रोल नंबर डालना है अंकों में, यहाँ शब्दों में रोल नंबर डालना है, ठीक। यहाँ विषय जो भी होगा आपका सामान्य हिंदी, प्रश्न पत्र में हमेशा केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि हर पेपर एक ही बार होता है आपका, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, केवल एक ही बार होता है। इसलिए आपको करना क्या है, केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, हर पेपर के दाहिने साइड में संकेतांक लिखा होता है। जैसे ये आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है, गेस पेपर हम लोग बनाए, हमारी टीम जो है सब अलग अलग सब्जेक्टों के जानकार मेरे प्यारे बच्चों अपने गेस पेपर को बनाए हुए हैं। ये आपका भौतिक विज्ञान का गेस पेपर है, देख लीजिएगा, और ये आपके हिंदी का है। हाँ, ये देख लीजिए, हिंदी का गेस पेपर है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा आसानी से। और ये है बोर्ड कॉपी, ठीक, ये गणित की बोर्ड कॉपी है, ठीक, देख लो, ये है आपके लगभग ये 60 पेज है। मैंने जो साल्व किया है, जो हम लोग अपने कोर्स में बच्चों को देते हैं, वो 60 पेज है, यानी गणित का पूरा पूरा सोल्यूशन किया है। क्वेश्चन विथ आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन विथ आंसर, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो है 2019 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि ये बोर्ड कॉपी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का, और सभी ईयर्स के 7 सेट का सोल्यूशन आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, मेरी गारंटी है आप कोई भी सब्जेक्ट हिंदी में तो 100 में 100 दिलवा कर रहेंगे आपको, बट और सारे सब्जेक्ट मेरी गारंटी है कि 90% आप क्रॉस कर जाओगे, ये मेरी गारंटी। पिछले 15 ईयर्स का मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अपने कोर्स को लॉन्च किया हूँ। तो जिन बच्चों को लेना है वो 7992087382 से कांटेक्ट कर ले, और बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर ले। ये आपकी बोर्ड कॉपी है मैथ की। इस तरीके से फिजिक्स की,
जैसे अभी वीडियो में कमेंट आया है कि सर आप पूरा वीडियो का पूरे पेपर्स का सल्यूशन करवा दे, तो लो ना सल्यूशन, ये दे रहा हूं मैं एकदम पूरा का पूरा सल्यूशन है, लेकिन आपके लिए उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, मात्र आपके लिए पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 150 रुपये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये टीम लिखी हुई है। एक पेपर का खर्चा लगभग सॉल्व कराने तक का 250 रुपये पड़ता है, लेकिन मैं आपको 100 पेपर दे रहा हूं, 100 पेपर मात्र 150 रुपये मेरे प्यारे बच्चों, जरा सोचो। मेरे इस खर्चे के अकॉर्डिंग दक्षिणा बहुत कम है, तो जिन बच्चों को लेना है उस नंबर पे फटाफट इस नंबर पे कांटेक्ट करें और 150 वाला कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक। चलिए अब हम लोग बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा बोर्ड कॉपी है, फ्रंट पेज आपको इस तरीके से 1 से लेकर 6 पॉइंट तक भरने होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे संकेतांक मैंने अभी जो बताया, संकेतांक आपको यहाँ डालना है, परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे भरना है, परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी सन 2024 को आपको परीक्षा है, और पाली में आप द्वितीय पाली डालेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा 2 बजे से होगी, इसलिए द्वितीय पाली जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे यहाँ पे केंद्र का नाम लिख देना है। चलिए अब देखिए जरा, ये आपके पेपर सल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहला नंबर देखो यहाँ लिखा है खंड क, खंड क प्रश्नोत्तर संख्या एक, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या एक यहाँ पे एक डाला हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से आपका ये पेपर है। काफी बच्चे फोन कर रहे हैं इस समय, इसलिए मोबाइल फोन को हमें ऑफ करना पड़ा। अभी यही खाली हो जाए फिर इस वीडियो को बना के फिर रिसीव करते हैं बच्चों की। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पहले प्रश्न का उत्तर है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर ये है प्रश्नोत्तर संख्या एक, एक का क है, क का किस तरीके से जो भी है, जैसे आपको ये पेपर हम दिखा दें एक बार, हिंदी का, ये हिंदी का है ना, हिंदी के पेपर में एक का क का जो भी ऑप्शन सही है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या एक क का दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख देना, फिर है ख का दूसरा सही है जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख देंगे, ग का चौथा सही है जो भी नाम है यहाँ लिख देंगे, घ का पहला सही है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। ये ध्यान दे लीजिए, लिखने का ढंग समझ लो, ठीक है ना, पूरा प्रश्न उतार के उसका आंसर देने की गलती मत करना। कुछ प्यारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही गड़बड़ी ये कर देते हैं, पहले प्रश्न पूरा लिखेंगे फिर उसका उत्तर लिखेंगे, ऐसी गलती मत करना। ऐसे करोगे आपको 100 में 100 नहीं मिलेगा। पहली बात तो पूरा क्वेश्चन अगर लिखोगे तो समय क्वेश्चन लिखने में ही चला जाएगा, तो आप वही पाओगे पास मार्क का, 100 में 33 अंक, 100 में से कितना पाओगे 33। तो आप क्वेश्चन नहीं लिखना, इस तरीके से प्रश्नोत्तर डालने के बाद ये उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कम समय में। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें, क का दूसरा भी सही लिख देते हैं, क का दूसरा ये नाम नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ख का दूसरा, लेकिन इसको लिखने से ना थोड़ा अच्छा भी लगता है और टीचर और आपकी जो कॉपी होती है वो सबसे अलग होती, यूनिक होती, ठीक है ना, तो सबसे अलग करने की कोशिश करें और साफ साफ सुथरा लिखें, ठीक है, उसमें पूरा लहूधरापन मत करने की कोशिश करें, कीचड़ न फैलाएं, साफ सुथरा लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या फिर दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में भी इस तरीके से आपको लिखना है जैसे पहले में लिखे थे, ठीक है ना। देखिए अब हमारे हमारे को क्या लिखना है, ये गद्यांश है हमारी, ठीक है, गद्यांश में आपको करना क्या है, गद्यांश में कुल मिला के 5 प्रश्न होते हैं,
ठीक है ना। पांच प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न दो अंक के होते हैं, कितने अंक, दो अंक के होते हैं, और यहाँ पे पांच प्रश्न यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो 10 अंक का होगा। इसमें पहला नंबर पूछता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो कभी कभार बच्चे जब पढ़े नहीं रहते हैं तो पाठ के लेखक और नाम नहीं लिख पाएंगे, तो आप कुछ बना के ऐसे लिख देना, लेकिन बाकी जो 4 है उसे छोड़ना नहीं। उसे ना आप कहानी को पढ़ना, पहले पेपर की कहानी को पढ़ना, उसके बाद जो है उसके सभी उत्तर आप अच्छे ढंग से दे सकते हो। गद्यांश हिंदी में बहुत सरल है, एकदम समझ लीजिए, क्या बताएं आपको। और गद्यांश ऐसे है, ऐसे ही पद्यांश होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पद्यांश, थोड़ा सा 2% ज्यादा, गद्यांश से 2% ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप अगर कहानी को अच्छे ढंग से 2-3 बार पढ़ेंगे तो उसके उत्तर को दे सकते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे ही होता है। चलिए यहां देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा गद्यांश है, ठीक है, पद्यांश है ये, ऐसे ही पद्यांश को लिखेंगे, देख रहे हैं ना जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेम। अच्छा एक चीज और है, ये जो आप एक यहाँ पे एक गलती, ये जो कॉपी लिखा है जो लड़का, इसमें एक गलती देखो, ये वाली चीज जैसे प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इसे आपको ब्लैक कलर से लिख देना या हाइलाइटर इसी पे चला देना। जैसे हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हाइलाइटर इस तरीके से चला दे रहे हैं, ऐसे आप येलो कलर आप बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर लेकर जाना, ठीक है ना, चला देना और इसमें चला देंगे। फिर आपको क्या करना है, किससे संकलित है, पवन दूतिका से, तो इस पे भी हाइलाइटर चला देंगे। इससे क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो इस तरीके से करता है वही सबसे ज्यादा अंक पाता है, वही जो है स्टूडेंट सबसे ज्यादा अंक पाता है, क्योंकि उसका लिखा सबसे यूनिक होता है। तो हिंदी में कभी कभार ना इस 100 में से बच्चे ना 100 में 100 पा जाते हैं, 100 में 99 पा जाते हैं, 100 में 95 पा जाते हैं, मतलब 99 भी कम नहीं है, 100 में 100 लाना तो अपने आप में बहुत अच्छी बात हो जाती है, ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे, सीक्वेंस में लिखोगे तब ला सकते हो, ठीक है ना, काफी बच्चे लाते भी हैं। फिर आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना, ये जो है यहां पे इस तरीके से आपके लेखक का जीवन परिचय में आपको भी हमने यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखा हुआ है, ठीक। जीवन परिचय में आपको 80 वर्ड लिखने होते हैं, कितने वर्ड, 80 वर्ड लिखने होते हैं, और ये 80 वर्ड एक पेज आप लिख देते हो ना फिर भी सही है, लेकिन एक पेज में आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे जीवन परिचय थोड़ा लिखना है, फिर साहित्यिक योगदान बाकायदे हेडिंग डाल डाल के लिखना है, साहित्यिक योगदान हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर कृतियां हो गया, निबंध संग्रह हो गया, ठीक, शोध प्रबंध हो गया, आलोचना ग्रंथ हो गया, संपादन हो गया, साहित्य में स्थान हो गया, इस तरीके से अलग अलग टाइप आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका कवि का जीवन परिचय, ये मैथिली शरण है, तो जैसे आपने लेखक का जीवन परिचय लिखा ऐसे इसमें रचनाएं, साकेत, भारत भारती, ठीक है ना, देख रहे हो, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर 100 में 100 लाना है तो, देख रहे हैं ना, बाकायदे हेडिंग डाल डाल के और उसके बारे में अच्छे ढंग से जब लिखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों गारंटी है आप ना हिंदी में ना हर क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना पा सकते हो, ठीक। बाकायदे और सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अब 2024 में आपको समास नहीं मिलेगा, ठीक है, समास नहीं मिलेगा और संधि, ये 2 चीजें आपके सिलेबस से आउट कर दी गई हैं, ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना, दिखाई नहीं पड़ेगा पेपर में, उसके स्थान पे पैसे जाएगा, जैसे इंग्लिश में पैसे जाता है उसी तरीके से आ जाएगा, और बढ़िया हो गया भाई, पहले तो समास और संधि विच्छेद में बच्चे गलती कर जाते, लेकिन पैसेज में हमें लगता है कहीं पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि अगर इन सब से आगे बढ़ें
और ये एक पॉइंट और आपको बता दें, ये जो आप देखते हैं खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य को आपको लिखना होता है, तो हर जिले का खंड काव्य अलग होता है, अपने अपने जिले के खंड काव्य को पहचान लें। दूसरे जिले का खंड काव्य लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर दूसरे का अपने खंड काव्य लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक। और ये आप जो नंबर पाने से चूक जाएंगे, आपका ये जो 5 नंबर है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके संस्कृत वाला पोर्शन, और लास्ट में हम चलते हैं यहाँ पे निबंध में, और वो जो लेटर राइटिंग आता है उसको भी ध्यान में करके लिखना है। जैसे यहाँ वृक्षारोपण, वृक्षारोपण पे आया है, ठीक है, वृक्षारोपण पे आया है, तो वृक्षारोपण को किस तरीके से लिखना है, ठीक, और आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगा, 9 अंक आप ऐसे ही लूट लोगे मेरे प्यारे बच्चों। कितने अंक? 9 अंक लूट सकते हो, ठीक। प्रस्तावना लिखना, अभी की नहीं वृक्षारोपण का महत्व, उसके बाद खिंचाई चालू कर दिया, तो 9 के बजाय आप 7 ही पाओगे। ये हेडिंग के नंबर मिलते हैं, प्रस्तावना, वृक्षारोपण में शामिल और सरकारी संगठन, ठीक, वृक्षारोपण का कारण, वृक्षारोपण से होने वाले लाभ, वृक्षारोपण से सावधानियां, ठीक। इस तरीके से ढेर सारी बातें हेडिंग बना बना के लिख सकते हो। तो ये रहे आपके 100 नंबर वाली बोर्ड कॉपी। कितने नंबर वाली? 100 नंबर वाली बोर्ड कॉपी है, ठीक है ना। ये आपकी 100 नंबर वाली बोर्ड कॉपी है, तो सभी बच्चे इसे जरूर तैयार करें। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है, और बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेना मत भूलिएगा। वो जो नंबर मैंने अभी दिया था 7992087382 पर कांटेक्ट करें, और बोर्ड एग्जाम में आप 95% स्कोर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।